शिवराज के क्या कहने, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए जैसे नदी नाव संजोग। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में उक्त पंक्तियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी मिलनसार छवि से सबको रिझाते हुए 570 पंचायतों को समरस बना दिया। अब इन पंचायतों में सरपंच का चुनाव नहीं होगा। गांव के लोगों ने आपसी सहमति से अपना सरपंच चुन लिया है, वो इसलिए कि वहां केवल एक ही उम्मीदवार होगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि इतने सारे सरपंच निर्विरोध चुने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की समरस पंचायत बनाने का सपना लगभग पूरा होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री चौहान की इस पहल और नवाचार का सबसे ज्यादा असर उनके गृह जिले सीहोर में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुदरी में 25 पंचायत समरस घोषित कर दी गई हैं। एक और मुख्यमंत्री का ये आह्वान काम आया तो वहीं इसका दूसरा लाभ इन पंचायतों को 1,50,000 के रूप में मिलेगा। वहीं भोपाल में भी 3 पंचायत समरस का खिताब हासिल कर चुकी हैं। विराट 24 न्यूज के लिए भोपाल से स्टेट हेड संजय शास्त्री त्रिवेदी की रिपोर्ट। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए जैसे नदी नाव संजोग। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने अपनी मिलनसार छवि से मध्य प्रदेश की 570 पंचायतों को समरस घोषित करवा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की बात करें बुदनी की, तो बुदनी में 25 पंचायतें ऐसी हैं जहां निर्विरोध सरपंच को चुन लिया गया है और वहां 25 ग्राम पंचायतें समरस घोषित की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी ही पहल थी जिसमें उन्होंने हर वर्ग हर समाज के लोगों को जोड़ा और पंचायतों को समरस घोषित करा दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि समरस पंचायतों को 15-15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कैमरामैन फैसल के साथ भोपाल से संजय शास्त्री त्रिवेदी, विराट 24 न्यूज़, भोपाल।